हेलो एवरीबॉडी, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वीआईएन केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग 11th क्लास का जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाए थे अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रा, उसमें एक लाइन स्पेक्ट्रा था बीच में और लाइन स्पेक्ट्रा में एक स्पेशल एग्जाम्पल दे रखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो 11th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा करके देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में इतनी सारी लाइनें क्यों आती है वो सब समझाएंगे। तो आज का लेक्चर मेरा वही है कि वाई सो मैनी लाइन्स आर अपीयर्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम दोबारा से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो कैसे ऑब्टेन हुआ था, उस बारे में एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या हुआ था उसमें कि हमने हाइड्रोजन गैस को एक इवैक्यूएटेड वेसल ट्यूब में लिया था। तो इवैक्यूएटेड ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस को लिया उस पर चार्ज लगाया, उसमें से कई सारी बीम्स निकली, उनमें से एक बीम को जो रेडिएशन की बीम है एमिटेड बीम्स, जब उस बीम को प्रिज्म में से पास करवाया और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसकी ऑब्टेन की गई फिल्म, तो फिल्म ऐसी मिली थी कई सारी लाइनें थी। ठीक है जी, कई सारी लाइनों को भी मैंने पढ़ा करके दिखाया था भाई इनमें से क्या है, इनमें कोई डिफरेंस भी था इन लाइनों में, यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि लाइनें पैरेलल है बराबर है, पर वास्तविक रूप में क्या होता है वो आपको और समझाना है। ये कोई पैरेलल तो होती है पर लाइनों की लेंथ है बराबर नहीं होती है। क्लियर कर देता हूँ, पहले इधर देखिए डायग्राम को देख जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा इतनी सारी लाइनें क्यों अपियर होती हैं। ठीक है जी, देखिए सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कंफिगरेशन कर रहे तो 1 ही आएगा, के शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन था और वो के शेल में है, जिसके इसको हम मैथमेटिक्स के लिए के को क्या लिखते हैं, के की वैल्यू होती है 1। इसका सारे इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट थे मान लीजिए आपको। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो इन सभी गैसेस के एटम पहले ब्रेकअप, गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहले ब्रेकअप हुए गैसेस के एटम्स में, और उन गैसेस के एटम्स जो एक एक इलेक्ट्रॉन दे उन सब ने एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अलग अलग हायर लेवल पे गए। जैसे सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 2 पे चला गया, कोई 1 से 3 पे चला गया, कोई 4 पे चला गया, 5 पे चला गया, 6 पे चला गया, 7 पे चला गया, 8 पे चला गया। इस तरीके से क्या हुआ, सभी गैसेस के एटम, सभी गैसेस का मतलब हाइड्रोजन गैस के जो अलग अलग एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे चले गए। लेकिन देखिए जो ये एक्साइटेड जो लेवल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इट इज नॉट द फाइनल स्टेट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, आना तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट के ऊपर या किसी लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर ही होता है। ठीक है जी, बेसिकली तो ग्राउंड स्टेट में आना होता है। ठीक है, तो जो ये लिखी थी लेमन सीरीज, लेमन सीरीज की जो सीरीज का मीन्स लेमन सीरीज का मतलब जो रेडिएशन वो एमिट वापस करके एमिट करके ग्राउंड लेवल पे आ रहे थे, वो लाइन ने देखी थी लेमन नाम की वैज्ञानिक ने, उसने देखा था ये लाइन एग्जिस्ट करती है अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, इसमें मिलती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। इसमें क्या देखा उसने, साथ लाइन देखी थी कोई इलेक्ट्रॉन 8 शेल से फर्स्ट शेल तक आ गया, कोई 7 से लेके फर्स्ट तक आ गया, 6 से लेके फर्स्ट, 5 से लेके फर्स्ट, 4 से लेके फर्स्ट, 3 से लेके फर्स्ट, 2 से लेके फर्स्ट, इस तरीके से ये लाइनें देखी थी लेमन सीरीज ने। अब क्या वापस आते समय भी ये रेडिएशन एमिट करते हैं, अब रेडिएशन एमिट करेंगे तो कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी, वेवलेंथ उसने ये बताई थी उनकी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके। ठीक है, 700 लाइन की। उसके बाद बाद में कुछ लाइनें और भी थी, वो खोजी थी बालमर ने, किसने खोजी थी बालमर ने, नाम दे दिया बालमर सीरीज। तो उन लाइनों वो लाइनें मिली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में, किसमें विजिबल रीजन में। तो उसमें उसमें बताया कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन सपोज कर शुरू में तो एनर्जी 1 पे थे, तो 1 से कोई 8 पे गया, 7 पे गया, 6 पे गया, 5 पे गया, 4 पे गया और 2 पे गया, 3 पे गया, लेकिन वापस आते समय वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं आए बल्कि ग्राउंड स्टेट से एक लेवल ऊपर ही अटक गए सारे, यानी कि 8 से सेकंड, 7 से सेकंड, 6 से सेकंड, 5th से सेकंड, 4th से सेकंड और 3rd से सेकंड। इस सीरीज का नाम दे दिया बालमर सीरीज। ये सीरीज इससे अलग क्यों है, क्योंकि ये मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वापस आए थे वो सभी ग्राउंड स्टेट पे आए थे। यहाँ पे सीरीज के जो इलेक्ट्रॉन वापस आए थे वो सारे एक तो अल्ट्रावायलेट रीजन में नहीं थे, वो थे विजिबल रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में, और वो सब ग्राउंड स्टेट पे नहीं आए, ग्राउंड स्टेट से एक लेवल ऊपर आके रुक गए। क्लियर,
तीसरी जो सीरीज खोजी गई वो थी पाश्चन सीरीज के नाम से, और पाश्चन सीरीज और उसके आगे ब्रैकेट सीरीज और पिफंड सीरीज, ये तीन अलग अलग वैज्ञानिक ने खोज करी थी सीरीज की, और यहाँ पे लाइनों की संख्या कमी होती जा रही है अगर आप गिन करके देखेंगे तो। ये तीनों सीरीज मिलती है इंफ्रारेड रीजन में, क्या मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो देखिए पाश्चन सीरीज में 8 से कहां के रुके, थर्ड लेवल पे आके रुके, सारे थर्ड लेवल पे आके रुके, लिए थर्ड की लगी थी एंड 3 के ऊपर आके रुके सारे, वो लाइनें कम होती जा रही है देखो। तो 8 से थर्ड, 7 से थर्ड, 6 से थर्ड, 5th से थर्ड और 4th से थर्ड, ऐसे ही जो ब्रैकेट सीरीज थी उसमें और कम हो गई, 8 से 4, 7 से 4, 6 से 4, 5 से 4, और सबसे लास्ट में सीरीज जिसमें सबसे कम लाइनें मिली पिफंड सीरीज, पिफंड सीरीज में आप देख रहे 8 से 5th, 7 से 5th और 6 से 5th। तो क्योंकि ये इसलिए इतनी सारी लाइनें दिखाई दी थी क्योंकि सबका वापस आने का रूट अलग अलग था, रूट अलग अलग का मतलब कोई ग्राउंड लेवल पे आके जा रुक रहा था, कोई ग्राउंड लेवल से एक ऊपर लेवल रुक रहा था, तो उससे एक लेवल ऊपर, उससे एक लेवल ऊपर, उससे एक लेवल, इस तरीके से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में आपको कई सारी लाइन दिखाई देती हैं। अब एक और मैंने फॉर्मूला डेराइव किया था, वो रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला यूज हुआ था, ये जो अलग अलग जो लाइनें आपके सामने दिखाई दे रही है आपको इस ग्राफ के अंदर, इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब जैसे Li 2 प्लस दे दे आपको, इलेक्ट्रॉन तो एक ही इसमें भी, क्लियर हो गया, इस तरीके का कोई एटम अगर आपको दे दिया जाएगा तो हाइड्रोजन से मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, Li का नंबर 3 होता है, दो आप निकाल चुके। तो यहाँ के लिए वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला दिया था, ये पहले निकालेंगे न्यू बार इजिकल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी लगाते हैं, जेड स्क्वायर का मतलब एटॉमिक नंबर है जो भी आपको दिया गया, हाइड्रोजन के लिए इसको लगाने की जरूरत नहीं कि वो वन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको निकालेंगे वेव नंबर को और फिर लास्ट में आएंगे ये वेवलेंथ इजिकल टू वन अपॉन वेव नंबर। तो इनका फॉर्मूला का यूज करते हुए इन्होंने अलग अलग जो रेडिएशन एमिट हो रही थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में उसकी वेवलेंथ निकाली जो डाटा आपके सामने दिया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको मैंने कैसा लगा, उम्मीद है बिल्कुल सही लगा होगा, मैंने बिल्कुल जैसा इजी भाषा में जैसा समझा सकते हैं आपको पूरा डिटेल बता दिया गया। मेनली क्वेश्चन यही आता है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसे ऑब्टेन होता है, डायग्रामेटिकली समझा दीजिए, उसमें आप ये समझा सकते हैं इस तरीके से, ये ठीक है, कौन कौन सी सीरीज मिलती है उसमें आप इस ग्राफ के मदद से बता सकते हैं ये सीरीज मिलते हैं, फिर अलग अलग लाइनें क्यों मिलती हैं बता दिया कि भाई वापस आते समय जो रेडिएशन एमिट करते हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, उनका ग्राउंड लेवल सबका अलग अलग है, इस वजह से आपको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में इतनी सारी लाइनें मिलती हैं, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं कि हाँ वाई, तो आपको लेक्चर जरूर अच्छा लगा होगा, आप पहले लेक्चर को सुनेगा फिर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेगा आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं साथ में वेवलेंथ निकालने का वेव नंबर निकालने का इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी की बुक से तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है बोहर मॉडल की फाइंडिंग में, ठीक है जी। अभी आपको इसके बाद जो बोहर मॉडल आएगा उसके बारे में बताएंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, पीछे के लेक्चर भी सुनेंगे तो आपको पार्ट स्टेप वाइज क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।